मैं आपको बताता हूँ, मेरा हमारा मॉडल इतना पक्का है राजीव जी कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में, और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे। प्लीज प्लीज मैडम बैठ कर, मैं वो भी चल रहा है वाराणसी से कलकत्ता का। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूँ, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ, और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, मेरे मुझे 6.45 पर लो पैसा मिला है। हिंदुस्तान में AAA रेटिंग NHI का है, और NHI के लिए कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं है। इस देश में आर NH डिक्लेयर करके पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाकर हम इस देश की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेंगे, तो भी पैसे की कमी नहीं है। हाँ, काम करने में कोई कमी होती तो उसको और हम पीछे लगकर करवाने की कोशिश करते। और आप जितने लोग जो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हो, आप एक एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये 8 साल में कितना बदल हुआ है आप ये देखिए, और विश्वास रखिए मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ, और इस रिकॉर्ड पर विश्वास के साथ बताता हूँ कि ये पूरा हो।